हेलो ऑल, मैं निकम सर आपका स्वागत करता हूँ अपना गवर्नमेंट चैनल पे। अब सेंट्रल स्टेट हर को जॉब करना है अपना। तो फाइनली FIR रिक्रूटमेंट 2020 जिसका आपको वेट था, तो उसका जो पैटर्न है, जो सिलेबस है, ठीक है, वो आ चुका है। अभी उसके बारे में हम पूरा डिटेल करने वाले हैं, कैसे प्रिपेयर करना है और कैसे आपके चांसेस जो है बढ़ाने आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट पोस्ट में लेने वाले हो MTS पोस्ट, ठीक है, तो आपके लिए क्या है, आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है। तो सिर्फ रिटर्न एग्जाम में आपको अच्छा परफॉर्म करना है और डायरेक्ट आपका रिक्रूटमेंट है, कुछ स्किल टेस्ट नहीं है आपका, कुछ भी इंटरव्यू कुछ नहीं है, ठीक है। तो सभी जानकारी हम देखने वाले हैं अभी इसके इस बारे में, तो स्टार्ट करते हैं अभी। तो फर्स्ट थिंग, जो पैटर्न आपका आया है, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला था, तो वो सेम है, दैट इज योर रीजनिंग आपका है, आपका जनरल अवेयरनेस सेक्शन है, ओके, एप्टीट्यूड है आपका और इंग्लिश सेक्शन है। तो 25 25 ऐसे आपके हर एक सेक्शन में 25 मार्क्स है, ठीक है, और आपके जो टोटल मार्क्स है वो आपके 100 मार्क्स है। टोटल टाइम आपका जो है 2 आवर्स है, ठीक है, सेक्शनल टाइम ही इसमें नहीं है, तो टोटल आपको 2 आवर्स मिलेगा, उसमें आप ये 100 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका 1 मार्क आपको मिलेगा, अगर वो रॉन्ग हुआ तो ऑब्वियसली आपका निगेटिव मार्किंग है 0.25 का, ठीक है, तो उसका केयर करना है। तो एक बेसिक आपका जो है पैटर्न है इसका MTS का, ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो आपका इम्पोर्टेंट है वो आपका है एग्जाम डेट, ठीक है। तो अभी आपको पता है कि एग्जाम डेट अभी उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली एक प्रिपरेशन के फ्लो को मेंटेन करने के लिए आपको एक टारगेट तो होना चाहिए। तो दैट्स व्हाई जो आपका टारगेट डेट जो रहेगा FRI का, वो आपका रहेगा जैन से फेब के बीच में, ठीक है। तो आफ्टर जनवरी और बिफोर फेब्रुआरी, और फेब्रुआरी के मंथ में आपका एग्जाम गारंटी होने वाला है, ठीक है। तो मतलब आपके पास अभी अक्टूबर के तो छोड़ दो 15 डेज, ठीक है, नवंबर दिसंबर, तो 2 मंथ्स आपके पास है, ओके, 2 मंथ्स मैक्सिमम, मिनिमम 2 मंथ्स है मैक्सिमम आपके, जितने भी आपके एडिशनल 15 डेज बढ़े, ओके। तो ये आपका टारगेट रहेगा, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है इसका, कि ये आपका टारगेट डेट है जैन से फेब, ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं सिलेबस का एनालिसिस। तो फर्स्ट हम देखेंगे आपका जो मैथ्स पोर्शन है, दैट इज योर एप्टीट्यूड पोर्शन, उसमें क्या है, ठीक है। तो देखिए अभी इसमें जो है आपको सभी चैप्टर करने हैं जो उन्होंने मेंशन किया, लेकिन जो मोस्ट फोकस्ड चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है, जिसका एप्लीकेशन जो है वो बाकी चैप्टर में हम यूज करते हो, ठीक है, वो मैंने आपके लिए लिस्ट डाउन किए हैं, तो वो आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है। बाद में बताऊंगा आपको कैसे करने हैं, किधर से कर सकते हो, ठीक है, वो सब हम देखेंगे अभी। तो फर्स्ट देख लो लिस्ट। तो फर्स्ट चैप्टर आपका है नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन, सेकंड आपका है टाइम एंड वर्क एंड एवरेज, फोर्थ है आपका प्रॉफिट लॉस, फिफ्थ है आपका परसेंटेज, ओके, बाद में आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस एंड ट्रेन्स बोट एंड स्ट्रीम्स, ठीक है। तो ये जो 8 चैप्टर है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हाई वेटेड चैप्टर आप बोल सकते हो इसको, ठीक है, हाई वेटेड चैप्टर से है, तो इसका आपको ध्यान ही रखना है। आई होप कि आप नोट्स भी बना रहे होंगे साइड बाय साइड रेफरेंस। तो अभी ये चैप्टर जो है आपको किसमें से करना है, ठीक है, तो फर्स्ट आपको जो बुक है, ठीक है, SSC MTS प्रीवियस ईयर का बुक आपको परचेस करना होगा, ठीक है, तो उसमें आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, तो उसमें से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, जस्ट कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए, ठीक है, फर्स्ट है। सेकेंड आपका ये नॉन टेक का इतना ही था, ठीक है, और सेकेंड जो आपके लिए टेस्ट सीरीज आ रही है, ठीक है, जो अपने वेबसाइट है उस पर जल्दी 3-4 दिन में आपको उधर कार्ड दिखेगा FIR रिक्रूटमेंट टेस्ट सीरीज, ठीक है, तो उससे हम आपका जो आपका निगेटिव मार्किंग को ओवरकम करने का तरीका है वो हम देखेंगे, ठीक है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो उससे हम बढ़ाएंगे, और एग्जैक्ट पैटर्न जो FIR रिक्रूटमेंट में आपको दिखेगा FIR के एग्जाम में, वो आपको उधर मिलेगा टेस्ट सीरीज में, ठीक है। तो इससे आपको कंसेप्ट बिल्ड करना है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, कंसेप्ट क्या है, ठीक है, इससे आप करोगे, और बाद में आप फाइनल जो अपना एक लास्ट होता है ना, लास्ट एक मोमेंट में आपका जो प्रिपरेशन होता है उसको हम रैप करेंगे विद टेस्ट सीरीज, ठीक है, जो जल्दी आपको 3-4 डेज में अपने वेबसाइट पे दिखेगा। सेकेंड थिंग है आपका जो रीजनिंग का सिलेबस है, ठीक है, अभी देखिए उन्होंने स्पेशली मेंशन किया है कि नॉन वर्बल जो रीजनिंग का पार्ट होता है, ठीक है, तो वो आपको करना है, लेकिन वर्बल के कुछ टॉपिक्स आपको दिए हैं, ठीक है, तो इनको आपको इग्नोर नहीं करना है, तो एक ही बुक आपको इसके लिए यूज करना है कंसेप्ट बिल्डअप के लिए, जो कि आपका होगा RS अग्रवाल का नॉन वर्बल एंड नॉन वर्बल, ठीक है। तो इसमें सभी चैप्टर्स आपके हैं, इंडेक्स पूरा इंडेक्स आपको करना है, क्योंकि देखिए उन्होंने सिर्फ नॉन वर्बल मेंशन किया है, तो नॉन वर्बल सेक्शन में जितना भी आपका चैप्टर है वो सब आपका करना है, सिमिलरली वर्बल में भी जितना है आपको सब करना है, ठीक है। तो एक ही बुक इसके लिए काफी है कंसेप्ट बिल्डअप के लिए, एंड ऑब्वियसली आपका जो प्रैक्टिस और आपका जो बाकी चीज है वो हम टेस्ट सीरीज से करेंगे, ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है रीजनिंग में वो हम सब टेस्ट सीरीज से आपका करेंगे, ओके। नो अभी जो एक सेक्शन है होता है कि जिससे सबको मतलब डर लग सकता है, जो है आपका GK और GA का, ठीक है, तो इसको भी मैं सिंप्लीफाई करने वाला हूँ आपके लिए, अभी आपको सिर्फ क्या करना है वो अभी वो देखो। देखिए इसमें आपके बहुत सारा चीज है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, आपका
साइंस है, आपका इन्वायरमेंट है, तो ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका करंट अफेयर्स है जो कि लास्ट 12 मंथ का आपको देखना है, ठीक है। तो मतलब अगर आपका एग्जाम जैन में है तो आपको जनवरी 2020 से जनवरी 2021 तक, और जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक आपको करंट अफेयर पूरे करने हैं, पढ़ने हैं, ठीक है। अभी इसमें इसमें आपका जो प्लान होगा करंट अफेयर का, वो जल्दी ही मैं रिलीज करूंगा, ओके, उसका सेपरेट वीडियो आएगा, तो वो आपको कंपलसरी देखना है, ओके, उतना ही फॉलो करना है, ज्यादा इधर आपको कुछ टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो प्लान मैं सेपरेटली अभी आपको बताऊंगा कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। ये जो सेक्शन है, ओके, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट थिंग, आपको लूसेंट का बुक है थ्योरी का, वो लेना है, ठीक है, और उसमें से ये पढ़ना है, और प्रैक्टिस के लिए उसमें भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और ऑब्वियसली अपने टेस्ट सीरीज में होंगे ही, ठीक है। देखिए टेस्ट सीरीज का जो डिजाइन होगा ना, तो वो मैक्सिमम ऐसा ही होगा कि सिमिलर पैटर्न के आपको क्वेश्चन मिले, ठीक है, मतलब कंसेप्चुअल, ऐसा नहीं कि मतलब इधर है तो उधर का उधर क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो बाकी के जो लोग ऐसे आपको बोलते हैं उनसे आपको सतर्क रहना है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है, कि क्वेश्चन रिपीट हो 100%, क्वेश्चन का पैटर्न और कंसेप्ट रिपीट होता है, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको अभी मतलब कोई भी बोल सकता है कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे 100% सिलेक्शन, तो ये आपका बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, और इससे आपको बहुत अच्छे से दूर रहना है, ठीक है, और फोकस रहना है आपको। तो जो लूसेंट का बुक है इससे आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। करंट अफेयर का जिसने बोला कि आपको प्लान आएगा, तो वो आपको वीडियो देखना है अभी करंट अफेयर का, उसमें से आपको पता चल जाएगा कि करंट अफेयर का कैसे मैं करने वाला हूँ, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा वे है, कम टाइम में, और मतलब जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, जो मतलब ऑब्वियसली पूछते हैं कि ठीक है, क्योंकि लास्ट 7 ईयर से मैं सिर्फ एग्जाम के सिर्फ एनालिसिस कर रहा हूँ, बहुत सारे एग्जाम्स रहते हैं स्टेट और सेंट्रल के, तो उसके एनालिसिस कर रहा हूँ, तो एक ऐसे पैटर्न मुझे पता है कि एक्चुअल में उनको करंट अफेयर में क्या चाहिए, ठीक है। तो 90% जो है आपका करंट अफेयर का 90% पैटर्न जो सेम रहता है, 10% जस्ट उनके मूड के ऊपर है, अगर उनको लगा तो डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे, ठीक है। 90% पैटर्न तो अपने को इस पे फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि ये देखिए ये सेक्शन ऐसा है कि इसमें आप कितना भी पढ़ो कभी आपका ये कंप्लीट नहीं होने वाला, ओके, फर्स्ट थिंग। तो इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं फोड़ना है, ठीक है। मैक्सिमम आपका करंट अफेयर से आप 10-12 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करोगे, और बाकी के जो आपके बचे 12-13 वो आपके हिस्ट्री और इसमें से आएंगे, ओके, जो रिमेनिंग आपका पोर्शन है। तो ये चीजें आपको अच्छे से ध्यान देनी है, और बाकी चैनल वीडियो मतलब वही जो करंट अफेयर का मैं डालने वाला हूँ, ठीक है, तो वो आपको देखना है, तो हम देखते हैं कैसे करेंगे बाद में वो, ओके। अभी इंग्लिश का, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है उनको इंग्लिश का प्रॉब्लम रहता है, लेकिन देखिए इंग्लिश आपके लिए बेसिक इंग्लिश है इधर, जो आपने 7-10 स्टैंडर्ड में पढ़ा है, 7-10 स्टैंडर्ड में पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, जस्ट एक किरण का बुक आएगा प्रीवियस ईयर का, वो आपको लेना है इंग्लिश का, ठीक है। देखिए इसमें ये जो है सिनोनिम एंटोनिम, ठीक है, टेस्ट वोकैबुलरी, आपका इडियम फ्रेजेस, बाद में आपका जो आएगा, ओके, इतना ही, ठीक है। तो ये देखिए ये अनप्रेडिक्टेबल है, ओके, इधर ज्यादा अपने को दिमाग नहीं लगाना है, मेन सबसे है ये है, ठीक है, ये जो चीजें है जो सिनोनिम एंटोनिम हो, ये है आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज जो अपना होगा उससे ही आपको करना है, बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, क्योंकि ऑब्वियसली देर आर थाउजेंड एंड देर आर लैक्स ऑफ वर्ड्स, ओके, तो इतने आप ऑब्वियसली याद नहीं रख सकते, तो जितने मैं टेस्ट सीरीज में दे रहा हूँ आपको उतने ही अच्छे से याद करो, ओके, और जो ऑप्शंस रहेंगे टेस्ट सीरीज में, ऑब्वियसली 4 ऑप्शन रहेंगे, तो 4 मतलब आपके वर्ड हो गए, और एक पांचवा मतलब आपका जो क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, तो 5 वर्ड्स तो एक क्वेश्चन से आपके बनेंगे, इस तरीके से हम पढ़ाई करेंगे इसका, ठीक है। ये जो है इधर, ये आपका इंपॉर्टेंट, दैट इज आपका ग्रामर, ओके, बेसिक ग्रामर आपका इंग्लिश का अच्छा होना चाहिए, तभी आप एरर डिटेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन और पैसेज को जो आंसर देते हैं, ठीक है, पैसेज से, पैसेज के लिए ग्रामर नहीं लगता, लेकिन ग्रामर का अंडरस्टैंडिंग पैसेज के लिए लगता है, ठीक है, क्योंकि आपको इंग्लिश का समझ में आना चाहिए कि कैसे मतलब ग्रामर, ग्रामेटिकली वो कैसे करेक्ट सेंटेंस है, कैसे करेक्ट है सब चीज, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान देना है। तो ये था आपका इंग्लिश का पोर्शन, ओके। अभी जो है कि एफआरए के लिए जो इंपॉर्टेंट मोटिवेशन रहेगा आपके लिए और फाइनल वर्ड्स रहेंगे कि फर्स्ट थिंग स्टार्ट करना है आज से, ठीक है, जो आपको बोला है कलेक्ट करो। ऑब्वियसली मैं आपको रिकमेंड करूंगा जितना ही बुक्स मैंने बोला है आप परचेस करो, नहीं तो पीडीएफ भी हो सकता है उनका, वो भी आप रेफर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। टेस्ट सीरीज और बाकी चीजें 3-4 डेज में आएगी अपने वेबसाइट पे, और करंट अफेयर का भी कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, तो उसका प्रॉब्लम खत्म हो गया। सेकंड चीज, जो आपका स्टडी के आवर्स है आपको मैक्सिमम अभी स्टडी के लिए देना है, ठीक है, क्योंकि आपके पास दो मंथ्स है, ठीक है, तो 2 मंथ में आपको 4 सेक्शन करने है कवर, ओके, जो चैलेंजिंग है लेकिन आप कर सकते हो। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं रहता कि मिनिमम इतना आवर्स पढ़ाई करना है, मैक्सिमम इतना आवर पढ़ाई करना है, जस्ट मैं आपको बोलूंगा कि 6 आवर क्वालिटी स्टडी आप स्टार्ट करो, ओके, 6 आवर क्वालिटी स्टडी आप स्टार्ट करो, फिर आप धीरे धीरे इसको बढ़ाओगे, लेकिन इनिशियली आप ऐसा मत करो कि 12 घंटे पढ़ रहे हैं, 18 घंटे पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता, एक दिन पढ़ोगे बाद में फिर से आप 0 पे आओगे, ठीक है। तो स्लोली स्लोली स्टार्ट करो, फर्स्ट वीक जो आपका अभी आज से स्टार्ट करोगे तो आप 6 आवर्स दो,
बाद में आप उसको 8 आवर कर दो, तो इस तरीके से आप थोड़ा ग्रेजुअली इंक्रीज करोगे, ठीक है। सेकेंड चीज जो इंपॉर्टेंट है कि डिस्ट्रैक्शन जो है उससे आपको दूर रहना है, ठीक है। तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन, आप अगर किसी ग्रुप में हो, किसी मतलब किधर भी हो, तो जस्ट उससे जितना दूर हो सके उतना करो, क्योंकि ग्रुप में ज्यादातर फालतू के डिस्कशन ही रहते हैं, ठीक है। और उसके लिए भी अपना जो एक प्लेटफॉर्म है रेडी है, उसके बारे में भी अभी चैनल पे अपडेट आने वाला है, डिस्कशन फोरम होने वाला है उसका नाम, ठीक है। तो डिस्कशन फोरम में आप सिर्फ पढ़ाई कर सकते हैं, उधर जो आपके डाउट होंगे आप पोस्ट करोगे और उससे आप आंसर करोगे, ओके। ऑब्वियसली व्हाट्सएप ग्रुप भी है अपना, तो व्हाट्सएप ग्रुप भी मैं उसका लिंक दे दूंगा, लेकिन जो सीरियस कैंडिडेट है वही सिर्फ उसमें ऐड होने वाले हैं, ठीक है। बाकी के जो टाइम पास करने वाले हैं ऐसे ही, वो प्लीज उसमें ऐड मत हुई, क्योंकि आप मेरा भी टाइम वेस्ट करोगे और खुद का भी टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है। तो सिर्फ सीरियस कैंडिडेट के लिए है, और अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं आना है तो आप डिस्कशन फोरम में जाओगे, उधर कैसे जाना है, कैसे यूज करना है, उसका भी डिटेल वीडियो में जल्दी आने वाला है, ठीक है। फोकस आपको रहना है अभी, ठीक है। अगर आपका टारगेट FRI है तो FRI को ही पूरा टारगेट करके आपको ये करना है, बाकी किसी भी चीज पे आपका ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो 2-3 मंथ्स एकदम हार्ड वर्क करो और गारंटी आपको रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं होता कि रिजल्ट नहीं मिलेगा हार्ड वर्क। ऑब्वियसली 10% आपका लक का भी रहता है, लेकिन 90% आपका हार्ड वर्क का रहता है, ठीक है। तो उस 90% को हम इग्नोर नहीं कर सकते। और एक लर्निंग एटीट्यूड रखो, ठीक है। मतलब आप जब कंसेप्ट पढ़ रहे हो, कुछ सीख रहे हो, मैथ्स रीजनिंग या आपका GK करंट अफेयर कुछ भी, तो मतलब उसको सीखना है इसलिए करो, ओके। एग्जाम में करना है इसलिए नहीं, क्योंकि अगर आप इस एटीट्यूड से पढ़ोगे ना तो अच्छे से आपको रिकॉल कर पाओगे आप, और अच्छे से उसको याद कर पाओगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से याद रखना है कि जस्ट एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो करना है, ओके। ऐसा बिल्कुल ये गलत अप्रोच है, और ये आपको गारंटी, इसका रिजल्ट आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, इसका रिजल्ट कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई फोकस होके पूरा लर्निंग एटीट्यूड रखो कि क्यों कर रहे हैं ऐसा, कैसे हो रहा है, ओके, कंसेप्ट क्या है उसके पीछे, ये सब आपके जो थॉट्स है वो चलते रहने चाहिए विद द क्वेश्चंस, ठीक है। तो आई होप कि आपको पता चल गया अभी कि क्या है, और यस FRI का जॉब अच्छा है तो आप मतलब कर सकते हो, और ऑब्वियसली MTS अगर आप एक बार गवर्नमेंट जॉब आपने सिक्योर कर लिया तो आप ऑब्वियसली हम फिर से प्रिपेयर करने वाले, ठीक है, क्योंकि आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा, आपके पास एक जॉब रहेगा, सिक्योरिटी रहेगी, गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। और बाद में आप एक बार मतलब हर एक लेवल आप ये करोगे, प्रोग्रेस करोगे, और आपके जो नेक्स्ट पोस्ट है या और भी गवर्नमेंट जॉब होंगी उसमें उनको आराम से अप्लाई कर सकते हो, साथ साथ पढ़ाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो 3 मंथ्स आपके हैं, ठीक है, तो ये मेक श्योर कि आपके बहुत अच्छे जाए, प्रॉपरली आप पढ़ाई करो, ओके, फोकस रहो, सबसे इंपॉर्टेंट वही है, और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, वही इंपॉर्टेंट है, ओके। तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए है जो अपना टेस्ट सीरीज है, मतलब आपका वेबसाइट है, ठीक है, उधर आपको जाना है अभी, तो बाद में आपको वो समझेगा कि मैं वीडियो डालूंगा, तो टेस्ट सीरीज मतलब 3-4 डेज में आएगा, तो 3-4 डेज में आप उधर विजिट करो और टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। बाद में आपका जो CA सेक्शन है करंट अफेयर का, उसके मतलब कैसा रहेगा वो मैं अभी डालने वाला वीडियो बाद में, और व्हाट्सएप का लिंक और डिस्कशन फोरम का लिंक आपका मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो उधर जाके आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है, ओके। 3-4 डेज में वेबसाइट पे एक तो आपका ये टेस्ट सीरीज आ रहा है, ठीक है, और फर्स्ट जो वर्किंग कैंडिडेट है, ठीक है, वो जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, और जो फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम में लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या रहेगा, मैं आपको वेबसाइट पे ही आपको मिलेगा वो उसका इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो आप उधर से ले सकते हो। तो हम साथ में बहुत अच्छा प्रिपेयर करने वाले हैं, ठीक है, बहुत डिटेल में और पूरा फोकस करके, कैसे है कि एक गाइडेंस रहता है तो आप जो आपका पाथ है वो ईजी हो जाता है, नहीं तो आपको समझ नहीं, ठीक है। तो एग्जाम डे तक मैं आपके साथ रहूंगा, और आपको पूरा पर्सनलाइज प्लान आपका आपके हिसाब से प्लान होगा, सभी चीज उसमें होने वाली है, तो उसका डिटेल जो है वो उधर आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा 3-4 डेज में, ठीक है। तो बाद में आप उसको दे सकते हो और ऑब्वियसली आप परचेस कर सकते हो, बाकी कैंडिडेट के लिए भी है, अगर चाहिए तो वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो स्ट्रेटेजी वीडियो है, ठीक है, वो आपने अच्छे से नोट किया, आपको समझा है कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है, सभी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी अगर कुछ मिस हुआ है, कुछ ऐसा लगता है आपको कि ऐसा होना चाहिए, तो ऑब्वियसली आप कमेंट करोगे। अपना जो चैनल है वो अभी अपना इंस्टाग्राम पे भी है और अपना टेलीग्राम पे भी है, तो उधर आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है क्विक अपडेट के लिए, ठीक है। जैसे कि अभी एक क्विक अपडेट आ रहा है कि FRI का जो आपने सपोज 2-3 ट्रांजेक्शन किए हैं, ठीक है, तो आपको वो रिफंड कर रहे हैं, तो रिफंड का भी एक अभी क्विक अपडेट आया है, तो जस्ट मैं अभी टेलीग्राम पे डालने वाला हूँ, तो ऐसे ही क्विक अपडेट के लिए, क्योंकि हर टाइम पॉसिबल नहीं है वीडियो बनाना, ठीक है। तो क्विक अपडेट के लिए आपको इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम ये दोनों कंपल्सरी ज्वाइन करना है, ठीक है, उसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। और कुछ भी डाउट हो आपका बिंदास मैसेज करो, ठीक है, और 3-4 डेज में आपको वेबसाइट पर विजिट करना है, और जो आपका टेस्ट सीरीज और आपका जो प्रोग्राम रहेगा वो आप परचेस कर सकते हो। ऑल द बेस्ट।